दोस्तों, महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अयोध्या के साधु संत और विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का अब अयोध्या में कोई स्वागत नहीं है। यदि वे यहां आते हैं तो अयोध्या के संतों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। महंत राजूदास ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री के खिलाफ बिना समय बर्बाद के काम को अंजाम दिया, लेकिन वही सरकार अभी तक पालघर में दो साधुओं के हथियारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी है। संत समाज के प्रमुख महंत कन्हैया दास ने शिवसेना कंगना रनौत पर हमला क्यों कर रही है, हर कोई समझ सकता है, ये कोई रहस्य नहीं है। शिवसेना वो नहीं रही जो कभी बाला साहेब ठाकरे के अधीन हुआ करती थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वीएचपी के क्षेत्रीय प्रवक्ता शरद शर्मा ने कहा है कि ये एकदम स्पष्ट है कि शिवसेना जानबूझकर अभिनेत्री को निशाना बना रही है, क्योंकि वह राष्ट्रवादी ताकतों का समर्थन कर रही है और उसने मुंबई के ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर कंगना रनौत के खिलाफ बदले के इरादे से कार्रवाई कर रही है। बता दें कि उद्धव ठाकरे 24 नवंबर 2018 को अयोध्या आए थे। इसके बाद पिछले साल 16 जून और फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस साल मार्च में अयोध्या आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी मुख्य बात जरूर बताएगा। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।